कर्नाटकमध्ये घडलेल्या हिजाब प्रकरणावरून देशासह संपूर्ण राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. अमरावती शहरात देखील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मुस्लिम महिलांसह निदर्शने करत हिजाबच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्यात आला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. हर वक्त यही बात रही है कि शरीयत में लोगों ने इंटरफेयर किया है. पहले हम लोगों ने NRC की बात सही है, फिर हमने ट्रिपल तलाक की बात सही है. हद तो ये हो गई थी, अजान पर लोग रोक लगाने की बात भी आ चुकी थी लेकिन वो लगा ना सके. अब बात हिजाब पर आ चुकी है, अब बात हमारी इज्जत आबरू पे आ चुकी है. हम ये कतई नहीं होने देंगे, हम हमारी जान दे देंगे लेकिन हमारे हिजाब पर आज नहीं आने देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमारा हक है और इस्लाम से ये हमारा फर्ज है. हमें इसे हिजाब को फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता. सिंपल टर्म इज दैट मैं चंद लाइनें कहना चाहूंगी. खुदा का कानून आबाद रहने दो, खुदा का कानून आबाद रहने दो. बेशक हमारी जान ले लो, हिजाब रहने दो. बेशक हमारी जान ले लो, हिजाब रहने दो. एक बार और कहना चाहूंगी, इंशाल्लाह हमारी जो बहने हैं चाहे वो IAS बने चाहे वो पार्लियामेंट में जाए लेकिन वो हिजाब फॉलो करना कतई ही नहीं छोड़ेंगी, कोई हाल में नहीं छोड़ेंगी. हमारी बहन मुस्कान जिसके साथ जो भी दुष्कर्म हुआ या फिर उसे जो भी इंसानियत के खिलाफ जो काम हुआ उसके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगी कि फातिमा की बेटी आई है तो ये आलम है. फातिमा की बेटी आई है तो ये आलम है. सोचिए अली के बेटे आएंगे तो क्या समा होगा, अली के बेटे आएंगे तो क्या समा होगा. क्या नाम आपका मैडम? शबनम सलाउद्दीन खान.